हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपके बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो पीएचटी होने वाले हैं वो 21 दिसंबर से चालू हो रहे हैं, तो उसी को लेकर के आपके द्वारा मतलब बहुत बार ये चीज़ पूछी जा रही है मुझसे कि अगर आपके जो वेट की जो समस्या है, अगर आपका जितना वेट होना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से अगर उससे कम है या ज़्यादा है तो क्या हम फेल कर दिए जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप सबसे ज़्यादा किस में फेल होते हैं, यानी कि जो पीएचटी होता है इसमें सबसे ज्यादा किस में फेल होता है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो भी आपका डाउट, वीडियो लास्ट तक देखनी है आपको, जिससे आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो सके। दूसरी बात, इसी के साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है उसका एग्जाम आपका जनवरी में है, उसके लिए अगर हम बेस्ट बुक की बात करें तो उसके लिए बेस्ट बुक है आपकी चक्षु प्रकाशन की। ये बुक आपके जो नया सिलेबस आया है ना 2023 वाला, उसके सिलेबस को ध्यान में रखकर ये बुक तैयार की गई है। अच्छी बुक है, आप इसको पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से, इसमें एक एक टॉपिक अच्छे तरीके से बिल्कुल आपके सिलेबस वाइज अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है। आपको ये बुक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल जाएगी। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हो तो इसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जा करके इसको ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो तो इसके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, इसके प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं आप, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये बुक आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं, कहीं से भी। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए बेस्ट बुक। अब हम बात करेंगे जो भी आपके डाउट हैं उनके ऊपर वेट को लेकर के। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपका डाउट है वो है आपका कि अगर वेट कम ज़्यादा हुआ तो क्या होगा। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि आपका जो वेट, इसमें जो आपका पीएचटी होगा इसमें हाइट, वेट और चेस्ट मापा जाएगा, और जो फीमेल हैं उनके लिए वेट और हाइट मापी जाएगी। तो अगर वेट की मैं आपको बात बताऊँ, पहली बात तो आपका जो वेट की जो सबसे ज़्यादा जो समस्या थी वो आएगी मेडिकल में। इतना यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका ये पीएचटी है ना, इसमें आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका मेडिकल में होगा। कहाँ होगा, जितना आपका ये मेडिकल में ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि अगर आपका इसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ, यानी कि जैसे कि आपका वेट होना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से, मान के चलो आपका वेट होना चाहिए आपका 60 किलो, लेकिन अगर फिर भी आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है या कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे देखे जिनके 5-5, 6-6, 7-7 या और कम ज़्यादा भी, इनके वेट कम ज़्यादा हैं वो आराम से क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जब आपका मेडिकल हो, ठीक है, जब आपका मेडिकल हो उस टाइम तक आपको अपना वेट अगर ज़्यादा है तो वो कम कर लेना है, अगर कम है तो वो ज़्यादा कर लेना है। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं कि वेट की इतनी ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होती जितना आप परेशान हो रहे हो। अगर आपका मेडिकल में भी थोड़ा बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत कम हुआ ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि ये चीज़ कहने में बेकार होगा कि अगर मेडिकल में आप भले ही ज़्यादा वेट लेकर चले जाओ, कम वेट, लेकिन फिर भी आप अपनी ओर से कोशिश करना कि मेडिकल में अपना जो वेट है जिस तरीके से मांगा है उसके आसपास हो, तो अच्छी बात है। तो मेडिकल को लेकर के बिल्कुल भी आप, मतलब उसको पीएचटी को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान मत हुई है कि वेट कम ज़्यादा है। दूसरी बात है यार, अपने हिसाब से मत सोचो आप, मतलब भर्ती बोर्ड के एकदम बिल्कुल अध्यक्ष बने बैठे हो, अपने आप ही मैसेज जो कमेंट कर रहे हैं मेरे पास कि सर हम तो फेल हो जाएंगे, हमारा वेट ज़्यादा है या कम है। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया है तो प्लीज़ आप अपना पीएचटी देने जरूर जाइए। आपको खुद ये चीज़ें, मतलब पीएचटी कराने के बाद एहसास होगा कि हमने ये बात अगर मान ली तो बहुत अच्छा हुआ, आप बिल्कुल भी पास होकर के आएंगे, ये बिल्कुल सोच कर जाइए मैम, बिल्कुल भी वेट के ऊपर परेशान मत हुई है। आप एक बार जाइए तो अपने आप ये सब कुछ क्लियर कर ले रहे हो। एक बार आपका एडमिट कार्ड आ गया है आप अपना पीएचटी देने जाइए, वेट की इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अब जो सबसे बड़ी समस्या वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा किस में फेल होते हैं, तो देखिए वेट की मैंने आपको बताई दी, अब बचे आपके, एक तो बची आपकी हाइट और एक बचा आपका चेस्ट, ठीक है। हाइट की देखिए ऐसी बात होती है कि हाइट जितनी आपकी है, मानो 170 सेंटीमीटर है या 168 सेंटीमीटर है या 175 सेंटीमीटर है, हाइट जितनी है उतनी है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। मुश्किल से 1-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे आपके खड़े होने पे या उनके नापने में इतना अंतर आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वहाँ फेल होते हैं ना, मैंने पीएचटी दिए हैं कई सारे, मैं जो भी उसमें सबसे ज़्यादा फेल होते हैं उसमें चेस्ट में होते हैं। चेस्ट का क्या है आपको पता है, ये खुद आपको फुलाना पड़ता है। इसकी बुना फुलाई मानो 77 है और इसमें 5 फुलाम मांगा है, तो 77 और 5 कितने हो गए, 82। तो आपको 82 सेंटीमीटर तक आपको फुलाना है, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, तो वो कम ज़्यादा जो भी करना है आपको स्वयं करना है। तो इस वजह से इसमें ज़्यादा फेल होते हैं। और उसका एक विशेष ध्यान रखना, जब आप चेस्ट को फुलाते हो
ये जो अंदर की सांस है ना, ये जो अंदर की सांस है यहाँ फेफड़ों में बननी चाहिए। कुछ क्या करते हैं, वेट मतलब जो चेस्ट होता है इसको ऐसे आगे करते हैं, आगे करने से चेस्ट मतलब वो नहीं है, आगे करने से क्या है बस आपका शरीर आगे चला जाएगा, ना कि आप जो उस चेस्ट है वो फूलेगा। यानी कि अगर उन्होंने फीता यहाँ लगा लिया तो आपने ऐसे कर दिया तो ये नहीं है, इसका मतलब वो फीता चौड़ा हो जाएगा, आपका जो सीना है वो चौड़ा फूलेगा नहीं। वो अंदर की जो सांस है वो आपको यहाँ फेफड़ों में लानी है जो अच्छी तरीके से, और इसकी ना जो प्रैक्टिस आप घर थोड़े से कर लेंगे किसी से, जैसे आपको कोई भी मतलब घर में कोई भी आपसे बड़ा या छोटा कोई भी भाई हो आपका, उससे लगवा के आप कुछ प्रैक्टिस घर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आप ये मतलब उसके ऊपर अगर जो नए ज़्यादातर इसमें जो नए नए जाते हैं वो इसमें ज़्यादा फेल होकर आते हैं, ठीक है। उन्हें ये अंदाजा नहीं लगता है कि हम इसको फुला रहे हैं या अपना शरीर आगे करके ले जा रहे हैं, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा जो फेल होते हैं वो चेस्ट में होते हैं। आप खुद वहाँ देख लेना कि आपका चेस्ट होते हुए भी आप फेल हो जाएंगे, मतलब आपके अंदर क्षमता तो है लेकिन आप पे मतलब करना नहीं आ रहा कि किस तरीके से करते हैं इस वजह से। तो आप खुद देख लेना बलिमा कि ज़्यादातर जो फेल होते हैं वो चेस्ट में होंगे, वेट की इतनी समस्या नहीं है, मैंने आपको बता दिया। मेडिकल में खासकर ध्यान रखना वेट का। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी जो मैं आपके लिए दी है, अगर आपका अभी भी कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट करके पूछिए, ठीक है, मैं वहाँ रिप्लाई दे देता हूँ। जैसे मुझे एक तो यार ड्यूटी पे अगर मुझे टाइम मिलता तो मैं ड्यूटी पे भी आपका रिप्लाई दे देता हूँ, अगर ड्यूटी से फ्री होता हूँ तो मैं वीडियो बना देता हूँ। जैसे आपका वेट की सबसे ज़्यादा समस्या थी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यार बिना चैनल को सब्सक्राइब किए वीडियो को स्किप मत किया करो। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, बेल बटन भी उसके लिए अवश्य दबाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।